तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल अपनी बहन को ऐसे देख गुस्से में लाल हो गया। उसे जब कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने गुस्से में चिल्ला के बोला, समय मल्होत्रा मेरी बहन से दूर हटो, उसे धमकाना बंद करो, वो मासूम है, इस बात का तुम फायदा उठा रहे हो। तेरी जो शत लगी थी वो तेरे भाई से थी, इसमें तूने मेरी बहन को बीच में लाया। मैं यहाँ अपनी बहन को तुझसे ले जाने आया हूँ और मैं लेके ही जाऊंगा। सिद्धार्थ राहुल की बात में सर हिला के, हाँ भाई राहुल भाई सही कह रहे हैं, आपने मुझसे शत लगाई थी तो आप मुझसे कुछ और मांगलों में मना नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज भाई मुझे मेरी तापसी लोता दो, में उसे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। समय तापसी के बालों से खेलते हुए बिना राहुल सिद्धार्थ की ओर देखे कोल्ड वॉइस में, स्वीटहार्ट क्या तुम अपने भाई के साथ जाना चाहती हो? तापसी अपना सर समय के सिने में और छुपा के धीरे से बोली, मुझे नहीं जाना। समय तिरछी स्माइल कर राहुल को देख सुन लिया, एसीपी साहब मेरी स्वीटहार्ट अपने मालिक को छोड़ के नहीं आना चाहती, आप खामखा अपना खून जला रहे हो। राहुल तापसी के मना करते ही गुस्से में उसकी ओर कदम बढ़ाया, लेकिन वो तापसी के ओर करीब आता उसे पहले गोली चलने की आवाज आई। गोली की आवाज सुनते ही तापसी की चिख निकल गई, वो जैसे ही अपना सर समय के सिने से बाहर निकलने वाली थी, समय ने उसका सिर पीछे से पकड़ फिर से अपने सीने से लगा लिया और अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, नो स्वीटहार्ट तुम अपना सर नहीं उठाओगी। तापसी गोली की आवाज सुन डर से बुरी तरह कांप रही थी, उसके होठों से कैपते हुए एक ही शब्द निकला, दादा। समय उसके सिर को चुमके, जिंदा है। तापसी समय के दो वद सुनते ही शांत हो गई, उसका कांपता हुआ शरीर तो शांत हो गया लेकिन डर अभी भी उसके चेहरे पर दिख रहा था। समय के पास सोफे पे बैठा वरुण खुद गोली की आवाज सुन घबरा के अपने पैर सोफे पर ले लिए। सिद्धार्थ मयंक गोली चलते देख चार कदम पीछे हो गए। वरुण अपने सिने पर हाथ रख, अबे यार तू बता के तो गोली चला, तेरे चक्कर में अभी हार्ट फेल हो जाता। समय तिरछी नजर कर, डोंट वरी हॉस्पिटल पहुंचा देता, इतना कमीना दोस्त नहीं हूँ जो तुझे इतनी आसान मौत देता। वरुण उसकी बात सुन मुंह फाड़े, तू कमीना नहीं महाकमीना है, तेरे जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत। समय उसकी बात पर इवल स्माइल कर, तापसी के बालों से खेलते हुए तो किसने बोला था आके मुझसे दोस्ती कर, जब दोस्ती की थी तब तू शरीफ था, लेकिन मुझे क्या पता था बड़ा होके ऐसा बन जाएगा, हिटलर, वरुण चिरते हुए बोला। समय उसकी बात सुन हल्की सी स्माइल कर दी। वरुण सोफे पर सही से बैठ एक नजर राहुल को देखा जो बिना डरे गुस्से में समय को देख रहा था। दरअसल गोली किसी और ने नहीं समय ने चलाई थी, वो भी राहुल के ठीक पैरों के पास जो पैर तापसी की ओर आ रहे थे उसे रोकने के लिए समय ने गोली राहुल के पैरों के पास चलाई थी। गोली राहुल को लगी नहीं थी, सिर्फ पैरों के बीच जमीन पर लगी थी। राहुल गोली चलते ही दो कदम पीछे हो गया। राहुल एक एसीपी था जिसके लिए गोली की आवाज सुनना आम बात थी, इसलिए गोली की आवाज सुन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, ना ही उसके चेहरे पर कोई दर्द था, वरना उसकी जगह कोई और होता तो अब तक बेहोश हो चुका होता। यहाँ तक उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो समय के सामने खड़ा हो सके। समय का नाम सुनते ही वो अपने हाथों से अपनी जान दे देता। दुनिया के सामने समय बिजनेसमैन के साथ कसिनोआ किंग है। समय को लोग व्हाइट इगल के नाम से भी जानते हैं। उसके सामने गलती की कोई माफी नहीं होती, वो चाहे अपने हो या पराये, गलती की सजा समय मौत से भी बदल देता है। उसकी सजा जैनदर नहीं देखती, लड़का हो या लड़की, गलती की सजा सेम होती है। समय राहुल को गुस्से में देख तेरी स्माइल कर निशाना चुका नहीं है एसीपी, अगली बार मेरे मना करने के बाद भी मेरी जान के पास आने की गलती मत करना, वरना समय गलती की माफी नहीं सजा देता है। आज तक कभी मैंने किसी को गलती के बाद छोड़ा नहीं है, तुम पहले हो जो गलती करने के बाद भी सेफ हो, वरना समय की दुनिया में गलती की माफी नहीं सजा होती है, वो भी ऐसी जो कोई सोच नहीं सकता। समय वरुण को बिना देखे, वरुण कचरा साफ करो, मेरी स्वीटहार्ट के आराम करने का वक्त हो गया। समय इतना बोल बिना किसी पर ध्यान दिए तापसी को गोद में उठा के ऊपर की ओर जाने लगा। चार सीढ़ियां चढ़ के समय
के कदम रुक गए। उसने बिना पीछे मुड़े, ये आखिरी बार है सिधर जो मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, अगली बार मेरी स्वीटहार्ट को अपनी बोलने की हिम्मत मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। तेरी हर जीत मैंने पूरी की, लेकिन तेरी इस जीत को नहीं करूंगा। समय सिद्धार्थ को बिना देखे, धमकी देके तापसी को लेके ऊपर चला गया। समय आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा ही था कि राहुल की पीछे से आवाज आई जो कह रहा था, अब तुमने मेरी बहन को अपने पास रखने का तय कर ही कर लिया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बहन खुद मुझे छोड़ के तुम्हारे साथ रहना चाहती है, वो मेरे साथ जाना नहीं चाहती तो ठीक है, वो यहाँ रह सकती है लेकिन मैं भी नहीं जाऊँगा। वो मेरे बिना रह सकती है लेकिन मैं नहीं, मुझे उसके साथ रहना है। इसलिए मेरी बहन की खुशी के लिए मैं तुम्हें अपना जीजा मानने को तैयार हूँ। बहन के साथ मुझे दहेज समझ के यहाँ रख लो। समय उसकी बात सुन तिरछी स्माइल कर बिना पीछे मुड़े कहा, तो एक एसीपी क्रिमिनल का साला बनेगा, कहीं ऐसा ना हो। एसीपी साहब आपके मेरे साल बनने की बात सुन पूरा पुलिस डिपार्टमेंटर आपको गालियां दे, सुना है तुम काफी ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी ईमानदारी की कोई कीमत नहीं मिलेगी। मैं क्या हुआ वो तुम अभी जानते नहीं हो, और ना ही मैं तुम्हें बताने में इंटरेस्टेड हूँ। राहुल नकली स्माइल कर, मुझे जानना भी नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ अपनी बहन के लिए रहूंगा। ये एसीपी अपनी बहन के लिए अपनी वर्दी को छोड़ भी सकता है और अपनी जान दे भी सकता है, और रही बात तुम्हारे साले बनने की तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम काम सही करो या गलत, जब तक मेरे हाथ कोई प्रूफ नहीं लगता तुम सेफ हो। जिस दिन सबूत लगा उस दिन खेल आमने सामने से होगा। समय उसकी बात पर गर्दन तिरछी कर, साले साहब धमकी दे रहे हो, वो भी मेरे हेल में खड़े होके, नोट बेद तुम्हारे साथ खेल खेलने में मजा आएगा। चलो आप भी क्या याद रखोगे, किसके साले बने हो। मैं तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन देता हूँ, लेकिन एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, ये मेरा हेल है और यहाँ राज मेरा चलता है, इसलिए अपनी पुलिस गिरी बाहर छोड़ के आना। यहाँ तुम्हें रहने दे रहा हूँ सिर्फ मेरा साला बनके, ना कि पुलिस का कुत्ता बनके। और एक बात, बिना मेरी मर्जी के तुम अपनी बहन से नहीं मिलोगे, थर्ड फ्लोर पर कदम भी नहीं रखोगे, और मेरी जान तुम अपने भाई से मिलने नीचे नहीं आओगी। वरना समय ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तापसी समय की बात सुन अपना सर उसके सीने में छुपा लिया। समय राघव को आवाज लगा के, मेरे साले को कमरा दिखा देना, और उसकी खातरदारी के लिए हमारे चार आदमी रखो। आखिर एसएम का साला है, थोड़ी सेफ्टी तो रखनी पड़ेगी। और तू कमीने, अब से यही रहेगा, मेरे साले को खुद लेके आया है तो अब से उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे किसी चीज की कमी ना हो, ये ध्यान रखना। समय ने वरुण की ओर देख कहा, बाकी कचरा यहाँ से बाहर निकालो, मुझे ज्यादा गंदगी पसंद नहीं। ये बात समय ने सिद्धार्थ मयंत को सुनाने के लिए बोली थी। राघव सिद्धार्थ मयंत को हेल के बाहर ले गया। सिद्धार्थ जाना नहीं चाहता था, वो बार बार समय को आवाज लगा रहा था कि उसे भी यहाँ रहने दे, उसे यहाँ से नहीं जाना, लेकिन समय ने उसकी बातों को इग्नोर कर वहाँ से चला गया। राघव अपने आदमी को बुला के सिद्धार्थ को घसीट के हेल से बाहर फेंका। अगर ये चीज पहले होती तो बात अलग थी, लेकिन आज समय के लिए सिद्धार्थ का होना ना होना एक बराबर था। वरुण हेल में रहने की बात सुनते ही अपना सर पकड़ लिया। जैसे पता नहीं समय ने उसे क्या कह दिया हो। वही राहुल के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। राहुल के दिमाग इस वक्त क्या चल रहा था वो बता नहीं सकता। राघव वापिस आके राहुल को पहले नीचे का रूम दिखाने लगा। वरुण अभी भी सोफे पे बैठा था। राघव जब राहुल को रूम दिखा के वापिस आया तो उसकी नजरें वरुण पर गई। जिसे देख उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। राघव स्माइल करते हुए वरुण के पास जाके बोला, वरुण भाई आपको तो आपक रूम पता ही होगा, और रही सामान की बात तो आपका कुछ सामान यहाँ पहले से है, और बाकी के लिए आप घर की चाबी दो। वरुण राघव की बात पर उसे घूर के बोला, तुझे बहुत जल्दी है मुझे यहाँ सेटल करने की। राघव दांत दिखा के कया, भाई आप भी हम तो एसएम के ओर्डर फॉलो कर रहे हैं, अब आप उनकी मर्जी तो टाल नहीं सकते और ना ही बिना उनकी मर्जी से यहाँ से जा सकते हो।
वरुण उसकी बात के पीछे का मतलब अच्छे से समझ रहा था। उसे इस वक्त राघव की हंसी देख बहुत चिर मच रही थी। उसने खड़ा होके अपने जेब से चाबी निकाल राघव के मुंह पर फेंक के कहा, दांत दिखाना बंद कर और जाके मेरा सामान लेके आ, और हाँ, एक भी सामान छूटना नहीं चाहिए। अब से मैं यही सेटल होने वाला हूँ तो पूरा सामान लेके आना। राघव वरुण की बात पर दांत दिखा के वहां से जाते हुए बोला, आज तो बप्पा आपको 1 किलो लड्डू चराऊंगा। आपने अपने बच्चे की मुराद पूरी कर दी। राघव ये बात थोड़ी जोर से बोल रहा था, जैसे वो चाहता हो कि वरुण उसकी बात सुने, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वरुण उसकी बात सुन अपना जूता निकाल उसे फेंक के मारते हुए बोला, कमीने तू मेरे हाथ आ जा, तेरी सारी मुराद पूरी करता हूँ। मुझे अपनी तरह यहाँ फंसता देख बहुत खुश हो रहा है ना, अब तू देख मैं तेरा क्या करता हूँ, तू मेरे हाथों मरेगा। राघव जूते से बचते हुए हंसते हुए वहां से भाग गया। वरुण भी चिर के अपने कर्मे में चला गया। समय का रूम। समय तापसी को लेके सीधे बाथरूम में चला गया था। बाथरूम से तापसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो बार बार समय से छोड़ने को बोल रही थी, लेकिन समय उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। आधे घंटे तक तापसी रोती रही, उसके बाद समय उसे ब्लैक बाथरूम में कवर कर बाहर आया। तापसी का मासूम सा चेहरा रोने से पूरा लाल हो चुका था। गर्म पानी में नहाने के कारण उसकी सफेद मुलायम स्किन और ग्लो कर रही थी। बाथरूम में वो काफी क्यूट लग रही थी। बाथरूम उसकी साइज से काफी बड़ा था, बड़ा भी कयू नहीं होगा वो समय का जो था। तापसी को आए हुए कुछ ही टाइम हुआ था, इसलिए उसकी कुछ चीज लानी बाकी थी। समय तापसी को लगभग बेड पर फेंक खुद क्लोजेट रूम की ओर जाते हुए बोला, रोना धोना बंद करो और चुप करके बैठो, वरना अभी बिस्तर पर फेंका है, अगली बार उस रूम में फेंकाऊंगा। तापसी उसकी बात सुन खुद बिस्तर से पीछे होते हुए ब्लैंकेट में मुंह छुपा के लेट गई। समय कुछ देर में कपड़े बदल के वापिस आया। उसकी अपर बॉडी नेक्ड थी, उसने सिर्फ नीचे ब्लैक ट्राउजर पहना था। उसके एक हाथ में उसकी टिस्ट थी जो वो तापसी के लिए लेके आया था। तापसी पूरी तरह ब्लैंकेट में घुस के किसी खरगोश की तरह लेती हुई थी। समय उसे देख बिना एक प्रहसन उसके पास आया। तापसी जो सिर्फ ब्लैंकेट में मुंह छुपा के लेती थी, समय के कदमों की आहट सुन उसने ब्लैंकेट को और कसके पकड़ लिया। समय तापसी के पास जाके लेट गया। उसने खुद को भी ब्लैंकेट से कवर किया, अपना हाथ अंदर डाल तापसी की कमर पकड़ खुद के सीने से लगा लिया। तापसी की पीठ समय की मस्कुलर चेस्ट से जा लगी। वो अभी भी बाथरूम में थी, जिसे समय ने धीरे से खोल निकाल बिस्तर से नीचे फेंक दिया। तापसी पर अब कोई कपड़ा नहीं था। तापसी की खुली पीठ समय की चेस्ट से टच होते ही तापसी को एक कट सा लगा। उसने कसके ब्लैंकेट पकड़ लिया। समय खुद भी ब्लैंकेट में चला गया। उसने दोनों हाथों को तापसी से लिपट लिए। एक हाथ से वो तापसी का पेट से हिला रहा था तो दूसरे हाथ से तापसी के गीले बालों को साइड पर अपने होंठ उसके कंधे पर फिराने लगा। तापसी समय के हाथों को अपने कंधे पर चलता महसूस कर गहरी गहरी सांसें लेने लगी, साथ ही मौन करने लगी। समय उसके कंधे गले में होंठ फेरने के साथ किस बाइट भी कर रहा था, जिसे ना चाहते हुए भी वो मौन कर रही थी। समय तापसी की पिठ पर सेडेक्टिव वे में हाथ फिरा के बोला, क्यों टिपाए नाराज हो। तापसी उसकी आवाज सुन मासूमियत से बोली, आह आपने क्यों घिसा, पता है मुझे कितना दर्द हुआ और अभी भी हो रहा है। समय एक झटके में ब्लैंकेट हटा के तापसी के शरीर को देखने लगा, जो पूरा लाल पर चुका था, जैसे अभी उसमें से ब्लड निकल आएगा। समय ये देख अपना हाथ से उसके पेट को टच किया। समय के टच करते ही तापसी की आह निकल गई। वो तुरंत समय के गले में बाहें डाल रोने लगी। समय तापसी के बालों में हाथ फेर के शशह चुप हो जाओ। तापसी समय के सीने से गाल रबकर बोली, जल रहा है। समय तापसी को अलग कर खड़ा होके ड्रेसिंग टेबल से बॉडी लोशन लेके तापसी के पास आके उसे अपनी गोद में बिठा के बॉडी लोशन उसके शरीर पर लगाने लगा, जिसे तापसी की जलन कम हो। तापसी को बॉडी लोशन से आराम मिलने लगा। उसने समय के सीने पर उंगली फिरा के मासूमियत से बोली, आपने मुझे घीस घीस कर क्यों नहलाया, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ।
समय बोधी लोसन उसकी चेस्ट पर लगाते हुए हुए बोला, मेरे लिए तुम सब कुछ हो, मेरा सुकून, मेरा खिलौना, मेरी सनक, मेरी बच्ची, जिसे मैं देसे चाहे जब चाहे जो चाहे कर सकता हूँ, जो करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम खुद भी नहीं। तापसी समय की बात सुन उसके सीने से बाहर निकल उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं कोई खिलौना थोड़ी हूँ, मेरे लिए हो क्यूटीपाई, मेरे लिए तुम वो कीमती खिलौना हो, जिसे मैं दुनिया से छुपा के रखने वाला हूँ, जिस पर किसी की भी परछाई में बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम SM की सनक बनने वाली हो क्यूटीपाई, जो तुम्हारे लिए तब तक ठीक है जब तक तुम मेरी बात मानोगी एक अच्छी बच्ची की तरह, लेकिन अगर तुमने बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें पनिस्टी करूँगा, जो मेरी क्यूटी पाई को अच्छा नहीं लगेगा। समय ने सनकी तरीके से तापसी के पेट को मसलते हुए कही। तापसी पनिस्ट सुन घबरा गई, उसे फिर से समय ने दिखाया हुआ कमरा याद आ गया। अपने पेट पर चलते समय के हाथ पर अपना हाथ रोकते हुए बोली, आह दर्द हो रहा है। समय तापसी की आंखों में दर्द देख झुक के उसके पेट को चुप लिया, जहां उसने कुछ वक्त पहले रब किया था वही समय अपने होंठ टंग चलाने लगा। समय के होंठ अपने पेट पर महसूस करते ही तापसी के हाथ अपने आप समय के कंधे पर चले गए और उसके मुंह से सेडेक्टिव वे में आह निकल गई। समय उसकी आह सुन हल्की सी स्माइल कर दी, जो उसने छुपा भी ली। समय उसे बिस्तर पर लेता उसके माथे पर होंठ रख चुम के बोला, सो जाओ कैटिपाए, अभी तुम बच्ची हो, अभी तुम मुझे जेल नहीं पाओगी, पहले मेरा छोटा बच्चा बड़ा हो जाए, फिर मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बनाऊंगा, अभी सो जाओ। समय के होंठ माथे पर रखते ही तापसी ने आंखें बंद कर ली थी। समय की बातें सुन तापसी आंखें खोले उसके चेहरे को देखने लगी, जो थोड़ी देर पहले कुछ और था और अब कुछ और है। पहले उसकी आंखों में गुस्सा नफरत थी, वही अब उसकी आंखें बिल्कुल शांत है, कोई इमोशन नहीं। तापसी समय की आंखों में देखते हुए कुछ सोचते हुए मन में बोली, आप क्या हो समय जी, आप क्या हो, पहले राक्षस बन जाते हो और फिर कुछ और, पहले लगता है आप दुनिया के सबसे बुरी इंसान हो, जिसे सिर्फ खुद से मतलब है, और अब आप बिल्कुल अलग बिहेव कर रहे हो, जिसकी आंखों में अभी तो कोई इमोशन नहीं, लेकिन दिल में काफी कुछ है, जिसे मुझे जानना है, जानना चाहती हूँ आपको, आपसे प्यार करना चाहती हूँ, पहले इंसान हो आप जो मेरे इतने करीब आया है, जिसे देख मुझे डर लगता है, जिसे दूर भागना चाहती हूँ, लेकिन सुकून भी तो आपकी बाहों में मिलता है, तो फिर कैसे दूर भागू, आप मुझे दर्द और सुकून दोनों देते हो, इसलिए मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। दुनिया चाहे आपको जो कहती हो, लेकिन मुझे पता है आप इतने बुरे नहीं, जीतने दिखाते हो, मैं बहुत बुरा हूँ क्यूटीपाई, बहुत से भी बहुत बुरा, जिसकी सनक मैं पहले ही एक जान गई है, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता, तुम चली गई तो मैं इस दुनिया को जला दूंगा, अभी तुम समय मल्होत्रा को जानती नहीं हो, मेरे हर चेहरे से तुम्हें वाकिफ कराऊंगा, लेकिन उसे पहले तुम्हें एक सच बताना है, किसी से मिलवाना है, जो मैं कल बताऊंगा और मिलाऊंगा। समय ने तापसी की आंखों में देखते हुए मन में कहा, जैसे वो तापसी का मन पढ़ सकता हो। समय तापसी से नजर हटा के साइड में लेट उसे अपने सीने से लगा के, सो जाओ क्यूटीपाई, कल एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए, गिफ्ट वाली बात समय ने मन में बोली थी। तापसी समय के सीने पर सर रख सो गई। समय की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था, वो एक तक सिलिंग को देख रहा था। उसके मन में क्या चल रहा था वो कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो भी चल रहा था वो तापसी के लिए कितना खतरनाक होगा वो तो कल ही पता चलेगा। समय तापसी के मासूम चेहरे को देख उसके गालों पर हाथ फेर के खुद से बोला, कल तुम जिसे मिलोगी वो मेरे लिए बहुत कीमती है, लेकिन तुम उसे ज्यादा कीमती हो, इसलिए तुम्हें उसे अपना होगा, चाहे मर्जी से अपनाओ या जबरदस्ती। मेरे साथ तुम्हें प्यार नहीं सिर्फ सजा मिलेगी। क्यूटीपाई में वो हैवान हूँ जिसके अंदर दिल प्यार जैसी कोई चीज नहीं है। तुम जिसे प्यार करने लगी हो वो प्यार से नफरत करता है। मेरी नफरत तुम झेल नहीं पाओगी क्यूटीपाई, इसलिए प्यार अपने अंदर रखो और मुझे सिर्फ सुकून दो, जिसके लिए मैं तुम्हें अपने पास रखा है। तुम्हें जब मैंने पहली नजर में देखा था उसी वक्त तुम मेरी आंखों का सुकून बन चुकी थी, जिसे हासिल करना एक जीत थी जो मैंने पूरी की।
समय मल्होत्रा अपनी जिद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, मेरी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन तुम मेरी हर लिमिट से परे हो। माय क्यूटीपाय, मैं नहीं चाहता तुम अपने प्यार को बाहर लाओ, मुझे तुम्हारी इस आंखों में सिफेद डर देखना है। जिस दिन तुमने प्यार का इजहार किया उस दिन तुम्हारी सजा शुरू होगी जो तुम्हें दत्त के अलावा कुछ नहीं देगी। मेरी सनक जेल लोगी तुम, लेकिन सजा नहीं जेल पाओगी, इसलिए अपने दिल के एहसास अंदर ही रहने दो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। राहुल का रूम। राहुल आंखें बंद पर बालकनी में खड़ा होके सिगरेट पी रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल बतख की तरह सद थी। नीचे कहीं सिगरेट के टुकड़े पड़े थे, जिसे देख के ही पता लग सकता है वो कितनी देर से सिगरेट पी रहा है। राहुल आसमान को देखते हुए बोला, मोम मुझे माफ कर दो, आपके बेटे ने जो किया है वो सही है या गलत नहीं पता, लेकिन मैंने जो भी किया है वो सिर्फ अपनी छोटी की सेफ्टी के लिए किया है, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। राहुल आंखें बंद कर जलती हुई सिगरेट हाथों में दबा के, वो आने वाला है मोम, मेरी छोटी उस राक्षस की कैद में जाए वो मैं नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने उस खतरे से बचाने के लिए मैंने अपनी छोटी को दूसरे हैवान के पास भेज दिया। मुझे माफ कर दो मोम, मुझे माफ कर दो आपका। राहुल डर गया था, उस राक्षस से मैं अकेले नहीं लड़ सकता था, इसलिए मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, अपनी बहन को यहाँ भेज के पछता रहे हो। राहुल आवाज सुन बिना पीछे मुड़े पछता नहीं रहा, डर रहा हूँ। उसकी आंखों में जो मासूमियत थी अब वह डर है जो मैं नहीं देख सकता। ये तो होना ही था, मैंने तुझसे पहले ही कहा था उसके पास भेजने से पहले सोच ले, मैं उसे जानता हूँ, वो पत्थर दिल इंसान है जिसके लिए दिल नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन तू नहीं माना, तूने खुद क्यूटी को यहाँ भेजा और अब तू ही डर रहा है, आदमी ने कहा। राहुल पीछे मुड़ अपनी लाल आंखों से सामने खड़े आदमी को देख उसके गले से लग गया। आदमी ने राहुल की पिठ सहला के बोला, डर मत, मैं अपने यार को जानता हूँ, वो तापसी को कुछ नहीं होने देगा। मैंने उसकी आंखों में तापसी के लिए कुछ देखा है, वो क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन जो भी है हमारी क्यूटी के लिए वही सही है। राहुल आंखें बंद कर गले लगे हुए बोला, वरुण मुझे अपनी बहन की फिक्र हो रही है, कहीं समय उसे चोट ना पहुंचाए, वो बहुत मासूम है यार, तू जानता है उसे, बचपन से तूने मैंने मिल के उसे पाला है, हमारी क्यूटी कितनी मासूम है तू जानता है। वरुण राहुल का रिश्ता क्या है, उन दोनों ने तापसी को समय के पास खुद क्यों भेजा, कौन सा खतरा तापसी पर मंडरा रहा है और कैसे समय तापसी को उसे बचाएगा, ये सारे सवालों के जवाब कहानी में आगे मिलेंगे। वरुण राहुल को खुद से अलग कर कहा, जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि इस वक्त उस पर जो खतरा है वो उसकी मासूमियत को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकता है। तुझे पता है हम दोनों उसे नहीं बचा सकते थे, इसलिए हमने उसे यहाँ भेजा, हमारे पास समय ही एक ऑप्शन था जो तापसी को बचा भी सकता है और उसे सेफ भी रख सकता है। तू समय का अच्छे से जानता है, वो कैसा है, उसका गुस्सा उसकी जिद कैसी है, हम तीनों ने साथ में बचपन जिया है, तू बचपन में हमें छोड़ के चला गया, इसलिए उसने तुझे पहचाना नहीं, वरना तो तू अभी बिस्तर पर पड़ा होता, वो तेरे हाथ पैर तोड़ देता, तू जिस तरह बिना बताए उसकी मनपसंद बटरफ्लाई को लेके गया था वो तेरी जान निकाल लेता। हाँ तो वापिस भी तो आ गया ना, उस वक्त जाना जरूरी था, अगर उसे बता के जाता तो वो मुझे जाने नहीं देता, इसलिए छुपके निकल गया और अब लौट भी आया हूँ और उसकी बटरफ्लाई भी उसे लौटा दी, अब वो पहचान नहीं पाया तो मैं क्या करूँ, राहुल ने मुंह बना के कहा। ठीक तभी एक तेज पंच राहुल वरुण दोनों के मुंह पर पड़ा, पंच पड़ते ही दोनों के चेहरे एक और झुक गए, वरुण गाल पर हाथ रख मरे। राहुल आंखें मिच अपने कदम पीछे लेके वरुण के पीछे छुप गया। वरुण राहुल को पीछे छुपते देख कमीने बाहर निकल, मैं अकेला नहीं, मार खाऊंगा, गलती तेरी है, बाहर आ। राहुल डरते हुए कमीने चुप कर, और मुझे बचा ले, तू जो मांगेगा तुझे दूंगा, इसे बार बचा ले। उसी वक्त किसी की कोल्ड वॉइस दोनों के कानों पर पड़ी, तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वरुण राहुल आवाज सुन डर ने आंखें बंद कर ली। वरुण डरते हुए बिना सर उठाए बोला, समय हमारी
वरुण इतना ही बोल पाया था कि फिर से उसके मुंह पर पंच पड़ा। वरुण दूसरी गाल पर भी पंच खाके तुरंत शायद हो गया। समय को गुस्से में देख राहुल तुरंत उसके पैरों से लिपट गया। वरुण भी राहुल की तरह समय का दूसरा पैर पकड़ लिया। समय गुस्से में दोनों से अपने पैर चुराने की कोशिश करने लगा। राहुल और कसके पैर पकड़ बोला, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे यार, सच में माफ कर दे, मैं तुझे बताने वाला था लेकिन क्या। समय उसकी बात बीच में काट के गुस्से में बोला। समय की कोल्ड वॉइस सुन वरुण राहुल ने कसके अपनी आंखें बंद कर उसके पैर और कसके पकड़ लिए। समय दोनों को कॉलर से पकड़ खड़ा कर गुस्से में दांत पीस के बोला, नहीं मुझे कोई सफाई चाहिए, नहीं मैं कुछ पूछूंगा। तुम दोनों ने मेरे साथ ये खेल शुरू किया उसका एंड में करूंगा। तू तो बचपन में चला गया था इसलिए हमारी दोस्ती उसी दिन टूट चुकी थी और उसी दिन मैंने तुझे और बटरफ्लाई को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था। इसलिए तुम दोनों का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। और तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के मेरी दोस्ती खोदी। अब तक तुम दोनों ने सिर्फ मेरी दोस्ती देखी है, अब दुश्मनी देखो। मिस्टर राहुल वमा और मिस्टर वरुण मित्तल, आज से अभी से तुम दोनों से मेरा कोई रिश्ता नहीं, ना तुमसे है और ना ही तुम्हारी उस बहन से है। समय दोनों की कॉलर पक घसीट के बाहर लाके हॉल में पटका। वो वहां से अपने कमरे में गया। वहां सो रही तापसी को बालों से पकड़ खींच के कमरे से बाहर लाके राहुल वरुण के सामने फेंका। तापसी ये सब देख पूरी तरह सोकत थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। राहुल वरुण की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तापसी भी रो रही थी। समय को तीनों के आंसू देख कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। राहुल वरुण समय को देख रोते हुए कुछ बोलने को हुए लेकिन वो दोनों कुछ बोल पाते उसे पहले समय गुस्से में बोला, आज से तुम तीनों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है इसलिए चले जाओ यहाँ से, आखिरी बार जिंदा छोड़ रहा हूँ। अगली बार मेरे सामने मत आना वरना जान से मार दूंगा, निकल जाओ यहाँ से। समय राघव को आवाज लगा के, राघव समय की एक आवाज पर तुरंत भागता हुआ आया। समय कचरा साफ करो। समय इतना बोल बिना किसी की बात सुन गुस्से में ऊपर जाने लगा। समय अभी चार सीढ़ियों पर पहुंचा ही था कि कोया पीछे से आके उसे लिपट गया। समय के चलते कदम रुक गए। समय अपने हाथों की मुट्ठी बंद कली। तापसी समय की पीठ से लगी हुई रोते हुए बोली, आप मुझसे गुस्सा क्यों हो, मैंने तो कुछ नहीं किया। समय तापसी की आवाज सुन उसके हाथ अपने पेट से हटा के गुस्से में उस पर चिल्ला के बोला, ये मासूम चेहरा किसी और को दिखाना मुझे नहीं, तुम्हारा सच सामने आ चुका है, मैं अपना आपा खोदू उसे, पहले अपने भाइयों के साथ यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम तीनों की जान लेने के लिए मैं एक पल नहीं सोचूंगा। समय तापसी के हाथों को झटके अपने कमरे में चला गया। तापसी उसकी बातें सुन वही बैठ तेज तेज रोने लगी। राहुल वरुण भी वही बैठ गए। राघव तीनों को देख अपना चेहरा दूसरी ओर फेर के बोला, बोस ने कहा है आप यहाँ से चले जाओ, सुबह होने में चार घंटे हैं, उनके उठने से पहले चले जाओ, वही सही होगा। राघव एक नजर तापसी को देख सर हिला के वहां से चला गया। एक घंटे तक वही बैठ रोने के बाद वरुण अपने आंसू पोछे के बोला, हम ऐसे रो नहीं सकते राहुल, हमें समय को मनाना होगा, उसे सब बताना होगा, मैं अपने यार को नहीं खो सकता। राहुल भीगी आंखों से वरुण को देख, इतनी बड़ी बात कैसे बताओ, वो कुछ भी सुनना ही नहीं चाहता, कैसे कहो उसे कि मैं उस वक्त क्यों गया था। वरुण राहुल को खड़ा कर तापसी को दिखा के बोला, क्यूटी के लिए करना होगा, ये यही सेफ है, उसके पास अगर बात हमारी होती तो हम चले भी जाते, लेकिन इस वक्त हमारी क्यूटी को उसकी जरूरत है, हम उसे पूरी तो नहीं लेकिन आधी बात तो बता सकते हैं, हमें क्यूटी के लिए उसे वो बात बतानी होगी जिसे वो क्यूटी को अपने पास रखे, और हमें भी उसे मनाने के लिए टाइम मिल जाए, मैं अपने यार की मार से सकता हूँ लेकिन उसकी नफरत गुस्सा नहीं। राहुल वरुण की बात सुन तापसी को देख जो सीढ़ियों पर पैरों में मुंह छुपा के रो रही थी, राहुल उसकी हालत देख खड़ा होके ऊपर चला गया। वरुण भी उसके पीछे गया। दोनों समय के कमरे के बाहर आके खड़े हो गए। दोनों कुछ देख खड़े होने के बाद गहरी सांस लेके
राहुल ने दरवाजे पर जोर जोर से पिट के बोलना शुरू किया, यहाँ माफी मांगने नहीं आया हूँ, मुझे पता है मैंने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं होती, उसकी सिर्फ सजा होती है, जो मुझे मंजूर है तू जो सजा देगा मुझे मंजूर है। वरुण ने कहा, और मुझे भी तू चाहे सो कोरे माले, लेकिन हमें खुद से दूर मत कर। राहुल दरवाजे पर सर जोर के नम आंखों से, बचपन में हम बहुत छोटे थे यार, हमारे पास इतनी पावर नहीं थी कि हम क्यूटी को बचा सके, उस वक्त मेरे देव सबसे बड़ा खतरा बनके आने वाले थे, जिसे बचाने मोम को हमें दूर लेके जाना पड़ा। उस वक्त में तुम वरुण सिर्फ 1 साल के थे, हम मीर के भी क्यूटी को नहीं बचा पाते, इसलिए मैंने मोम के साथ जाना चुना, तुझे बताना चाहता था, लेकिन मुझे पता था तुम क्यूटी को खुद से दूर नहीं जाने दोगे, इसलिए मैंने छुप के निकलना तय किया। उसमें सारी गलती में थी मेरी बहन की, उसमें कोई गलती नहीं थी, वो तो सिर्फ 3 साल की थी, उसे तो ठीक से नाम तक लेना नहीं आता था, फिर वो कैसे तुमसे खेल खेल सकती है। यहाँ भेजने का फैसला भी मेरा और वरुण का था, उसे तो कुछ भी याद नहीं है, 3 साल के बच्चे को उनका बचपन कैसे याद रह सकता है, तुम तो जानते हो अपनी बटरफ्लाई को, वो तब भी उतनी मासूम थी जितनी आज है, तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माय स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।